हेलो गाइस तो आज हम करेंगे अ फैन रिक्वेस्टेड कंपैरिजन हार्डी चुपन का 2019 ओलंपिया का वर्जन और बिग रैमी 2021 का ओलंपिया वर्जन हार्डी चुपन का ये डेब्यू ईयर था ओलंपिया में और आई थिंक ये हार्डी की बेस्ट कंडीशनिंग थी अब तक के किसी भी ओलंपिया में इस इवेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सी तो आप जानते ही होंगे एवरीवन वाज लाइक हार्डी शुड हैव सारे फैंस और क्रिटिक्स इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि थे कि बैंडन करी जीते इस इवेंट को क्योंकि 2019 हजार के ओलंपिया स्टेज पर कोई भी एथलीट हार्डी से ज्यादा शार्प नहीं था विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइज डिस की कंडीशनिंग और भी ज्यादा गुस्सा लोगों को इस बात से आया कि इफ नॉट फर्स्ट सेकेंड तो डेफिनेटली हार्डी को मिलना चाहिए था बट वो भी नहीं हुआ तो एनीवेज हार्डी की यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग आई और 2021 के बिग रैमी वी ऑल नो यहाँ बिग रैमी उतने शार्प नहीं थे जितने 2020 में हमें देखने को मिले थे बट ही हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बट उसके बाद भी ही बिग इनफ एंड गुड इनफ कि वो ओलंपिया का सेकंड टाइटल जीत जाए एंड आई रियली थिंक इस साल बिग रैमी अपने सारे फैंस को खुश कर देंगे जितनी भी शिकायतें हैं सबकी दूर कर देंगे जिस तरह से वो स्टार्ट से ही प्राप्त कर रहे हैं एनी वेज स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन टेक इट लाइटली इंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो so, हार्डी की हाइट है फाइव फीट सेवन इंचज और बिग रामी की हाइट है फाइव फीट नाइन इंच

लोअर बॉडी में भी सेम बिग रैमी साइज से डोमिनेट कर रहे हैं विद डिस कंडीशनिंग बट हार्डी कम साइज होते हुए भी कितने ड्राई और हार्ड लेग्स प्रेजेंट कर रहे हैं आई वुड से हार्डी के यहाँ पर थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि छोटे फ्रेम पर अगर आपके लैट्स थोड़े भी वाइड हों तो आपको एक एक्स फ्रेम देने में ज़्यादा मदद करते हैं एंड आर्म्स डैम बिग रैमी के आर्म्स डेफिनेटली हार्डी के आर्म्स को डोमिनेट कर रहे हैं बट नॉट टू फॉगेट हार्डी के आर्म्स स्टिल उनकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग है जबकि वी ऑल नो के बिग रैमी के आर्म्स उनका एक थोड़ा वीक पॉइंट है ओवरऑल रैमी इज ह्यूज बट अगर रैमी की ही फिजिक के दूसरे प्रपोर्स को उनके आर्म्स से मैच करें तो उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फार मोर डोमिनेटिंग तो सिमेट्री वाइज हार्डी इज वे कम्प्लीट बट मैन आप इस साइज को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो डैम और उसके ऊपर वैक्यूम इस साइज और मास के साथ एक बहुत ही अच्छा वैक्यूम हिट करते हुए बिग्रामी रैमी यहाँ पर अब हार्डी वैक्यूम तो हिट नहीं कर रहा है बट स्टिल उनका एबडोमिनल

कितनी ज्यादा मेहनत अलॉन्ग विद डायरेटिक्स हार्डी मस्ट पुटिन चेस्ट में भी हार्डी के फाइबर्स ही फाइबर्स वेरी सुपीरियर कंडीशनिंग इट्स अनफॉर्चुनेट गाइज कि हार्डी की जेनेटिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बहुत ज्यादा मासिव नहीं हो सकते वरना ही इज अनमैच दो हजार उन्नीस के पूरे रॉस्टर पर हार्डी से अच्छा फ्रंट लेड्सपेट किसी का नहीं था एंड यू कैन सी दैट वॉय तो गाइज़ दो ये एक बहुत ही टफ पोज है एंड आई नो बहुत सारे बिगरामी के फैंस मुझ पर गुस्सा करेंगे बट ट्रस्ट मी गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं अनबाइज होकर ऑनेस्टली से अपनी ओपिनियन दूं तो आई थिंक मुझे लगता है आप उस चीज़ की रेस्पेक्ट करोगे बाकी ओपिनियंस किन्हीं दो लोगों की डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन जैसे मैंने यहाँ देखा मैं वैसे अगर बात करूं तो मैं यहां पर हार्डी की फिजिक की तरफ लीन करूंगा बट आई नो जजेस 100 परसेंट रामी को ही जाते नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट और यहां पर मैन हार्डी ऐसे लग रहे हैं जैसे 212 डिवीजन के हैं बिग रैमी के सामने वन ऑफ द बेस्ट पोजिस ऑफ बिग बिगन अमेजिंग अमेजिंग वाइट चेस्ट विथ फाइबर्स हियर इन दियर बहुत ही पम्प्ड पी की हार्ड की कंडीशनिंग अपर बॉडी में यस फिर वही ड्राई और पेपर थिन है बट मैन यहाँ ऐसा लग रहा है दो अलग अलग डिविजन के एथलीट एक दूसरे के सामने हैं। लुक एट दिथ ऑफ रैमी जबकि clearly लैकिंग लोअर बॉडी में भी यस हार्डी है almost ऑलमोस्ट डबल जैसे और सेपरेशन जो इनके quads और hamstrings में आती हैं, सुपर लोअर बॉडी मैन यहाँ बिग रैमी को मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट आप देखिए कैसे sweeps कट रही हैं कॉर्ड्स की भी और hamstrings की भी

में बट एनी वेज चेस्ट का साइज जैगेंटिक अनमैच्ड हार्ड इज नो वेर आर्म्स और ट्राइसेप भी रैमीज फ्लॉटिंग अ बिट बेटर इन इतने परफेक्ट ट्राइसेप्स ना होते हुए भी रैमी यहाँ अमेजिंग लग रहे हैं क्योंकि हार्डी के ट्राइस भी हम देखें तो नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस बट जस्ट कंडीशनिंग यहाँ हार्डी के लिए कुछ नहीं कर पाएगी जैसे कि जस्ट साइज रैमी के लिए कुछ नहीं करेगा इट्स ऑल अबाउट अ बैलेंस या फिर कुछ एकदम एक्स फैक्टर वाला पोज हो जैसे हार्डी का फ्रंट लेट स्पेड था दैट टाइप ऑफ एक्स फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू बीट रैमीज कंडीशनिंग विद मैसिव मैसिव साइज आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं वीडियो की तरफ बैक बैकलेट स्पेड और यहाँ मैन मुझे नहीं लगता था ऐसा बोलना पड़ेगा बट लुक एट हार्डी हाउ डिफाइंड कंडीशन थिक हिज बैक इज लुकिंग बिग रेमी के पास साइज है विथ है बट हाडी की सिमेट्री और ये देखिए कितनी थिक आई I मीन mean, कितना मसल हाडी के बैक पर जस्ट हैंंग कर रहा है इवन आफ्टर स्प्रेडिंग कितने लो इनके लैड्स जा रहे हैं बिल्कुल फ्लफी विंग्स जैसे मसल्स के ऊपर मसल्स लोअर बॉडी में रैमी के ग्लूट्स आर वेरी स्ट्राइटेड बट हार्डी के ग्लूट्स भी काफी स्ट्राइटेड हैं दो नॉट एज बिग बट कम ऑन गाइस बिग रैमी ऑलमोस्ट डबल है साइज में एंड साइज इज नॉट एवरी और यहाँ हार्डी की हैम्ड भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग और स्ट्राइश दिखा रही है एक प्रोपर एक्सट्रीम एंड एस्थेटिकली गाइज इट्स एन एक्सपेक्टेड पोस्ट फॉर हार्डी क्योंकि जो फ्लैप्स टाइप इनके बैक पर दिख रहे हैं और आई आईमस से नॉट यूटिलाईज मसल ऑन हज बैक जो हैंग कर रहा है दे टेक इट ऑल और मेरी ओपिनियन में यहाँ हार्डी इज गोइंग टू टेक इट नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रियल लाइट स्पेड और हम सब जानते हैं गाइस कि लास्ट ईयर तक रामी का एक तरह से ये बीक पोज रहा है यस yes, मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह साउंड करूंगा बट मेनी न्यू व्यूवर्स आर हियर तो उनके लिए कि रैमी की लोअर बैक बिल्कुल डिटेल्स खो चुकी है अभी कुछ पास टाइम से बिल्कुल प्लेन एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन दिया गाइज यहाँ पर हार्डी का भी ये पोस्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट उनके रियल लाइट्स पेड से अब ये इसे अच्छे से हिट नहीं कर रहे हैं या जो भी है लेकिन यहाँ इनका फ्रेम काफी काफी कॉम्पैक्ट सा लग रहा है काफी स्मॉल सा लग रहा है और लाइट्स भी उतने वाइड नहीं लगते और ना ही एक एक्स एक फ्रेम वाला इल्यूजन क्रिएट होता है लोअर बैक में हार्डी का भी ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है सो ओवरऑल ग्लूट्स में रैमी के और हैमस्ट्रिंग्स में अगर बात करें तो हार्डी के ज्यादा स्ट्राइशन है बट अपर बॉडी में के साथ भी हमारे कुछ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ह्यूज देखने को मिल रहे हैं बट एनीस बैक टू जूम इन बिट हियो रेमी के डेल्ट दे आर वे सेपरेटेड एंड फाइबर ऐसा लग रहा है जैसे डेल्स के ऊपर डेल्ट मसल मच मोर डेवलप्ड जबकि हार्डी के डायल्स हमेशा से यू ऑलमोस्ट ज्यादा सस्पिशियस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर्म रैमी तो यहाँ इस पोज में हार्डी इज ऑन इवन लुकिंग लाइक हैविंग दैट एक्स फैक्टर पोज या बहुत डिटेल्ड और ट्राई हो यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ लोअर बैक में थोड़े सॉफ्ट से लग रहे हैं हार्डी इट्स बिग्रामी काइस एपस और इवन दो बिग्रामी साइज स्टैंड पॉइंट से हार्डी से काफी ह्यूज है बट लुक एट इज बेस्ट इट्स फार थिन हार्डी इनके लैट्स आगे टिल्ड करने की वजह से वीटेपर कीट करते हैं जबकि हार्डी ओ माई गॉड

किसके पास ज्यादा बैलेंस पैकेज यहाँ लग रहा है किसके मसल चाहे बड़े ना हो बट फिर भी दे आर स्क्रीमिंग सुपीरियर कंडीशनिंग बेहतर फाइबर्स फाइबर्स ही क्रेजी राउंड मसल ये सब देख लेते हैं और अब इन सब में आप ऑनेस्टली खुद डिसाइड करो हु इज कमिंग ऑन टॉप ठीक है अब दूसरा फैक्टर साइज तो आप लोग ऑनेस्टली बहुत समझदार हो और अब हम लोगों ने बिल्कुल न्यूट्रलाइज से इसे देखा है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मेरी ओपिनियन में हार्डी इज विनिंग इट बट अगेन बट अगर आप रैमी की तरफ भी चाहते हो तो इट्स टोटली अ गेम ऑफ प्रेफरेंस इन दिस स्पोर्ट्स क्योंकि रैमी इज नॉट आउट ऑफ शेप या बैडली कंडीशन हो ऐसा कुछ नहीं है बिग रैमी के साथ सो इट विल ऑल्सो बी अ फेयर थिंग बट फॉर मी हार्डी की मसल बैलीज आर स्क्रीमिंग इन दिस स्पोर्ट्स का तो मेरी तरफ से तो हार्डी तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आगे मैं किस किस एथलीट के कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ थैंक यू बाय